यूपी की योगी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर भले ही ये दावा कर रही है कि यूपी में अपराधी या तो जेल में हैं या प्रदेश के बाहर या फिर ऊपर, पर बलिया में पुलिस की चुस्ती के चलते इस समय अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और वे आए दिन किसी न किसी बड़ी घटना को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला बलिया के गढ़वार थाना क्षेत्र के पलेसरा गांव का है, जहां कैश फायर माइक्रो फाइनेंस कंपनी का पैसा वसूली करके आ रहे एक एजेंट को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर भाग निकले। वहीं अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से ग्रामीणों में जबरदस्त भगदड़ मच गई और आसपास के लोग गोलियों की आवाज व घायल की चीख सुनकर वहां पहुंचे और हौसला दिखाते हुए ग्रामीणों ने बदमाशों को दौड़ाकर थर दबोचा। ग्रामीणों ने पुलिस के सामने ही बदमाशों की खूब धुनाई की और पुलिस को सौंपा। पुलिस की मौजूदगी में ग्रामीणों द्वारा पीट रहा है वही बदमाश है जो वसूली करके आ रहे सुनील यादव को गोली मारकर भाग रहे थे। हालांकि इस घटना में सुनील यादव की मौत जिला चिकित्सालय में इलाज के दौरान हो गई। ग्रामीणों की माने तो बदमाश युवक बाइक से सवार थे और सुनसान जगह देखकर सुनील को गोली मारकर रुपयों से भरा बैग लेकर असलाह लहराते हुए भागने लगे, जिसके बाद ग्रामीणों ने पकड़कर धुनाई करने के साथ पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किए बदमाशों के पास से लूट के 50,000 रुपए नगद बरामद किए। वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं खून से लथपथ जमीन पे गिरकर तड़प रहे एजेंट को स्थानीय लोगों ने आनन फानन में जैसे तैसे लांग कर जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। प्रधान ब्रह्माइन लड़का नगरा की ओर से आ रहा था और चोगड़ा चट्टी के आसपास में दो बदमाशों ने इसको गोली मार दिया। मोटरसाइकिल से आ रहा था। क्या कुछ कारण क्या था? मैं ये कुछ एजेंटी का काम कर रहा था, वो ये पैसा लेकर ये चला था और उसी में गोली मारे हैं। तो अभी क्या स्थिति है लड़की? लड़का इस हम लोग के बीच में नहीं है जी। और पुलिस प्रशासन तो लेकर आई, लेकिन यहाँ के जिला के उच्च अधिकारी अभी तक उन लोगों के कान में तेल डालकर सोए हैं। दिन पर दिन बढ़ रहा है जी। अभी कल ही पुरास में घटना हुई है। प्रतिदिन एक ये घटना होती है, पुलिस अपने कान में तेल डालकर सोई रहती है। वो तो जनता पकड़ कर पुलिस उन लोगों को दोनों को पकड़े हैं, लेकिन जिला में यही कप्तान साहब है, चाहे सारे अधिकारी है, लेकिन अभी अस्पताल आना उन लोगों को उचित नहीं समझे। जिला अधिकारी नहीं, कोई नहीं। ये आज शाम 6:30 के आसपास की घटना है। एक व्यक्ति सुनील कुमार यादव, ये रहने वाले ब्रह्मई थाना सुखपुरा के हैं, ये संभवतः अपने घर जा रहे थे। उसी समय दो लोगों ने उनसे लूट का प्रयास किया, उसी में उनको गोली मारी गई, जिससे दुर्भाग्यवश उनकी तो मृत्यु हो गई है, लेकिन यहाँ गांव वालों ने काफ़ी बहादुरी से दोनों को पकड़ लिया है और उनसे आगे की पूछताछ की जा रही है। और जो भी हत्या में प्रयुक्त असलाह था, उसकी बरामदगी का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। मैडम, दोनों जो अपराधी थे कहाँ के रहने वाले हैं? अभी उनसे गहन पूछताछ होगी, उनकी पूरी डिटेल्स निकाली जा रही है। जो बैग मिला है उसमें कितना लगभग धन होगा? अभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन जैसा बताया जा रहा है तो शायद 50,000 रुपए के आसपास वो लेके जा रहे थे, तो वो गिरने के बाद ही स्पष्ट हो पाए। ठीक है।